गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में हमारा प्रकरण चल रहा था पद परिचय, और इसी प्रकरण को आज हम आगे लेकर के चलेंगे इस वीडियो में। इस प्रकरण के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि पद परिचय के कितने भेद होते हैं। उसमें हमने जाना कि पद परिचय के दो भेद होते हैं, विकारी पद और अविकारी पद। विकारी पदों के अंतर्गत जो विकारी पद के चार भेद होते हैं, उनमें से पहला पद हमने पढ़ा था संज्ञा, और संज्ञा के भेदों को हमने उसमें जाना था। दूसरा हमारा जो विकारी पद का बिंदु था वो था सर्वनाम, और सर्वनाम को लेकर के हम चल रहे थे। सर्वनाम में हमने सर्वनाम के जो छह भेद होते हैं, उसमें से पहले दो भेद पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, ये उस वीडियो में पढ़े थे। अब इस वीडियो में हम इसका तीसरा बिंदु, सर्वनाम का तीसरा भेद लेकर के चलेंगे, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द या पद कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई कुछ आदि। कोई जा रहा है, वहां कुछ पड़ा है, तो देखिए इन दोनों वाक्यों में हमें निश्चय का बोध नहीं हो रहा। इस वाक्य में हम देखते हैं कोई जा रहा है, जा तो रहा है लेकिन कौन है इसका पता नहीं चल रहा है। यहां पड़ा हुआ है लेकिन क्या पड़ा हुआ है यह पता नहीं चल पा रहा है। तो वे सर्वनाम शब्द जिनसे हमें किसी निश्चय का बोध नहीं होता है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब इसका हम अगला भेद लेकर के चलेंगे, अविकारी
प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम परिभाषा। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न का बोध होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, क्यों आदि। तुम क्यों खड़े हो, तो देखिए इसी वाक्य में हमें पता चल जाता है, वाक्य है हमारा तुम क्यों खड़े हो, तुम क्यों खड़े हो। तो इसमें जो क्यों शब्द है ये प्रश्न कर रहा है कि क्यों खड़े हो, कारण जानना चाह रहा है। इसलिए इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं और इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम का जो अगला भेद है पांचवा, वो है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा वेद है? संबंधवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा कि वे सर्वनाम शब्द जिनसे दो पृथक 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 बातों का संबंध
का बोध होता है। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो वे सर्वनाम शब्द जिनसे दो पृथक पृथक बातों का संबंध स्पष्ट होता है या ज्ञात होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो सो उसकी जिसकी कैसे जो बोएगा सो काटेगा। तो देखिए ये बात है जो बोएगा सो काटेगा, तो इसमें जो और सो दोनों का प्रयोग यहां हमने किया है। दोनों ही संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे कि जो बोएगा सो काटेगा, और दोनों ही पृथक पृथक बातें बोएगा और काटेगा दोनों के मध्य ये संबंध को स्थापित कर रहे हैं, इसलिए ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत या संबंधवाचक पद के अंतर्गत गिने जाते हैं। इसको यहां से उतार लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और आगे देखिए इसका छठा भेद, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनको कर्ता खुद के लिए या अपने लिए प्रायुक्त करता है। निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे
स्वयं ही खुद ही अपने आप आदि मैं खुद ही पढ़ लूंगा मैं खुद ही पढ़ लूंगा मैं अपने आप पढ़ लूंगा या अपने आप दौड़ लूंगा या अपने आप दौड़ता हूं या स्वयं ही पढ़ता हूं। इस प्रकार के जो वाक्य हैं और उनमें जो ये प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं खुद ही अपने आप स्वयं या स्वयं ही, ये सभी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं और इस प्रकार के जो शब्द हैं वो सब इस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से सर्वनाम के बारे में हमने जाना कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो पुनः सुन लीजिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब पद परिचय में अगला जो विकारी पद है वो अगला विकारी पद है हमारा क्रिया। सबसे पहले इसकी परिभाषा, सबसे पहले क्रिया की परिभाषा। वे सब जिनसे हमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, अर्थात कार्य के होने या करने के अर्थ का बोध कराने वाले पद क्रिया पद
कहलाता है। तो देखिए, वे शब्द जिनसे हमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, दूसरे शब्दों में इसको कहें कि किसी कार्य के होने या करने के अर्थ का बोध कराने वाले पद क्रिया पद कहलाते हैं या क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो ये जैसे दौड़ना, खाना, पढ़ना, खेलना, लिखना, नाचना, ये सभी क्या है? ये सारे के सारे क्रियापद हैं। दौड़ना, खाना, पढ़ना, खेलना, लिखना, नाचना और भी बहुत सारे